नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करेंगे चार स्टॉक्स के बारे में जिनमें आपको कल के सेशन में बड़ा एक्शन होते हुए दिख सकता है। सबसे पहला स्टॉक होगा टाटा पावर, वेदांता, डॉक्टर रेड्डी लैब्स एंड IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन चार स्टॉक्स के पीछे बात करने के पीछे का रीजन जो है वो है इनके क्वार्टरली नंबर्स। कल के सेशन में इनके क्वार्टरली नंबर्स आए, कुछ कल आए, कुछ परसों आए हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स, कल कैसा एक्शन हो सकता है, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर के स्टॉक के ऊपर। अगर इस शेयर के बारे में बात करूं तो 225 के लेवल्स पे स्टॉक फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो मुझे रिजल्ट्स इसके पसंद आए हैं और ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 228 से लेके 231 यानी 231 तक जाना चाहिए ऊपर में। मैं आपके साथ इसके रिजल्ट्स भी डिस्कस कर देता हूं शॉर्ट में। सबसे पहले कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने 820 करोड़ का पोस्ट करा है 421 करोड़ के सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लगभग 85% का जंप है। मार्केट मान के चल रहा था लगभग 80% का जंप होगा प्रॉफिट में, लेकिन उसके सामने 85% का जंप देखने को मिल रहा है आप सभी को। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 794 करोड़ के सामने 820 करोड़ का प्रॉफिट है, तो बहुत अच्छे नंबर्स लग रहे हैं मुझे। रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 14,500 करोड़ के सामने कंपनी ने 14,000 करोड़ का रेवेन्यू पेश करा है, यानी रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूं तो 9,800 करोड़ के सामने 14,000 करोड़ का रेवेन्यू पेश करा है कंपनी ने। अगर मार्जिन्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 12% से बढ़कर 12.5% पे आते हुए दिखे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 17% से घटकर 12.54% पे आते हुए दिखे हैं। एक कमेंट्री भी है, कंपनी अपॉइंट्स राजीव महर्षि एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये स्टॉक के लिए एक न्यूज भी आती हुई दिखे। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे लग रहे हैं मुझे। बात करते हैं वेदांता के स्टॉक के बारे में। इसके नंबर्स इनलाइन कह सकते हैं आप या स्लाइटली थोड़े से वीक साइड पे कह सकते हैं। इस स्टॉक की बात करें तो रेंज प्ले हो रही है इस स्टॉक में काफी टाइम से, तो जिसके पास भी है इसमें मैं कंडीशनल बाय या सेल दूंगा। ऊपर 295.97 पे आता है तो प्रॉफिट बुक एग्जिट करें, 300 के ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट होगा, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं 320 के टारगेट्स के लिए। अब आते हैं नीचे, अगर स्टॉक गिरता है और 265 से लेकर 270 के बीच में आता है तो फ्रेश एंट्री लें, 260 का SL होगा, दोबारा 285 के टारगेट्स रखें। अगर 256 का लेवल ब्रेक करता है नीचे में तो सेल करना है, ब्रेकडाउन हो चुका है स्टॉक में और उसके बाद 240 रुपीज तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। ओवरऑल रेंज प्ले हो रही है तो नीचे 260 के राउंड खरीदें, 285-290 के करीब बेचें। इस स्टॉक में हमने काफी बार बाय रिकमेंड भी दिया था और इन्हीं स्टॉक्स को इसी लेवल पे बाय करवाया और इन्हीं लेवल्स पे सेल करने के लिए भी कहा था आप सभी से। अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक के बारे में, डॉक्टर रेड्डी के बारे में। दोस्तों इस स्टॉक ने शानदार और बहुत ही तंगड़े नंबर्स पेश करे हैं अपने, मैं आपको बता दूं। कंपनी की बात करूं तो 4,460 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, लगभग 1% गिरकर बंद हुआ है आप सभी के लिए फ्राइडे के सेशन में। लेकिन इसके नंबर्स ने पूरी तरीके से मार्केट के अनुमान को बीट करा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों ही जगह पे जंप देखने को मिल रहा है आपको, वो भी शानदार अच्छा खासा। सबसे पहले बात करता हूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 990 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 1113 करोड़ का प्रॉफिट आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो 1190 करोड़ से प्रॉफिट हल्का सा कमजोर आया है और 1113 करोड़ का आता हुआ दिखा है। मैंने अभी आपसे बोला क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा आया है तो स्लाइटली कमजोर है, लेकिन मेन चीज मार्केट का अनुमान था कि कंपनी 800 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर सकती है, लेकिन उसके सामने 1100 करोड़ का प्रॉफिट आया तो सुपर नंबर मानूंगा मैंने। एबिटा मार्जिन्स के बारे में बात करें तो 30.6% पे आते हुए दिखे, 27% से बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस के सामने देखा जाए तो नंबर्स मुझे बहुत ही ज्यादा शानदार दिख रहे हैं इसके। नेक्स्ट IOC के बारे में बात करते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। इस शेयर में बात करें तो कंपनी ने, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, कंपनी ने लॉस पोस्ट कराया स्टैंड अलोन बेसिस पे, बात कर रहा हूँ मैं स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड नहीं, स्टैंड अलोन। तो प्लीज नंबर्स को स्टैंड अलोन बेसिस पे ही देखें। स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो 272 करोड़ का कंपनी ने लॉस पोस्ट कराया। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 6,000 करोड़ के समथिंग का प्रॉफिट था,
लेकिन मेन चीज अगर आप देखने जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो जो लास्ट लास्ट क्वार्टर जो था कंपनी का लॉस लगभग 2500 करोड़ के समथिंग का था, अभी 200 करोड़ के समथिंग का रह गया, 300 करोड़ के समथिंग का रह गया, तो लॉस में अच्छा खासा कमी आई है। मुझे लगता है ये स्टॉक के रिजल्ट्स को आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। चलिए और बात करें तो एवरेज GRM फॉर पीरियड अप्रैल सितंबर एट 25.49 पर बैरल, एंड पहले लास्ट ईयर जो था वो 6.03, बहुत बड़ा ये तो गैप है। तो ये कुछ एक अपडेट आती हुई दिखी है, और जो अभी गवर्नमेंट ने जो एक इनके लिए आवंटन दिया है वो तो इनकी खुशखबरी है ही इन स्टॉक्स के लिए। ओवरऑल ये थी मेरी तरफ से आपके लिए राय, स्टॉक पॉजिटिव जो लग रहे हैं वो डॉक्टर रेड्डी, टाटा पावर के लग रहे हैं, IOC भी आपको अच्छा काम करता हुआ दिख सकता है, बाकी वेदांता मिक्स्ड है, मैं इस पे ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, और कंडीशनल बाय और सेल है। होप आपको वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।